नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तवा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी. वेलकम यू टू माई चैनल अनुसंधान. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू गाइज नो अबाउट दैट हु फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एक बार ये समस्या मेरे साथ आई थी. पहले वो समस्या एक लाइन में मैं बता के फिर पॉइंट पे आऊँगा. वैसे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ मैनेजिंग डेटा का सेकंड पार्ट, रिकोडिंग और रिवर्स कोडिंग. एक बार मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा जो अभी पब्लिश हो चुका है, तो मैंने उसमें डेटा कलेक्शन के टाइम पे एक 40 अपने कॉलेज में ही 40 टीचर्स का डेटा लेके और उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट की. रिलायबिलिटी टेस्टिंग क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम इसके बारे में बताएंगे भी. रिलायबिलिटी के बारे में जब रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0.6 या उससे ज़्यादा 0.7, 0.8, 0.9 आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन आयर डिज़ाइनिंग भी बहुत ही अच्छी थी, डेटा कलेक्शन भी जेन्युइनली कलेक्ट हुआ था, रिस्पोंडेंट भी अवेयर थे, ठीक से डेटा को भरा था, उसके बाद भी हमारी रिलायबिलिटी टेस्टिंग में जो रिलायबल जो डिजायरेबल वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी. क्यों नहीं आ रही थी, वहाँ से ये बात हम शुरू करेंगे. ध्यान से सुनिएगा और इसी बात को हम लेके जाएंगे रिकोडिंग और रिवर्स कोडिंग पे. तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ मैनेजिंग डेटा इज कॉल्ड रिकोडिंग और रिवर्स कोडिंग. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए एक रिसर्च है जिसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड वेस्टेज मेजर किया जा रहा है. रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड मेजर किया जा रहा है टुवर्ड्स फूड वेस्टेज, खाने के बर्बादी को लेकर किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड को मेजर किया जा रहा है. उसको मेजर करने के लिए 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं. आई थिंक फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, आई वॉज रेज टू बिलीव दैट फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, थ्रोइंग अवे फूड डज नॉट बॉदर मी. इस प्रकार के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं. उनकी कोडिंग यहाँ पे है FWA1, FWA2, FWA3, FWA4, FWA5 एंड FWA6. ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने एक 5-point स्केल पे पूछा है. स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, कांट से एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री. अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान से समझिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूँ. पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपसे ही पूछा जाए, पहला क्वेश्चन मैं पूछूँ तो आई थिंक फूड शुड नॉट बी वेस्टेज, तो आपको आप कहेंगे यस स्ट्रांगली एग्री, तो हम देंगे 5 marks. सपोज करिए कि किसी एक व्यक्ति ने बोला तो हमने इनको दिया 5. दूसरा आपसे पूछा गया आई वॉज रेड टू बिलीव दैट फूड शुड नॉट बी वेस्टेज, अगेन स्ट्रांगली एग्री. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है. ये इसलिए पूछा जाता है कि रिस्पोंडेंट हमको सही रिस्पोंड कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमेशा रिसर्चर कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी रखते हैं. तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि थ्रोइंग अवे, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आई थिंक फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, आई वेस्ट, भाई हमको बचपन से ये सिखाया गया है कि नहीं होना चाहिए, अगर हम इस पर एग्री हैं और बाद में अगर हम पूछते हैं थ्रोइंग अवे फूड डज नॉट बॉदर मी, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं, हम स्ट्रांगली डिसएग्री हैं या डिसएग्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं. आई एम नॉट रियली कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, भाई एक बार हम कह रहे हैं कि बहुत चिंतित हैं और नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब फिर से हम यहाँ पे डिसएग्री या एग्री करेंगे. वैसे ही पांचवें जो उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा आई डू नॉट रियली वरी अबाउट, यहाँ पर भी 1 या 2 करेंगे क्योंकि हम वरीड तो है भाई. लिखा हुआ आई डू नॉट रियली वरी अबाउट द अमाउंट ऑफ फूड दैट आई थ्रो अवे एट होम, आई एम वरीड, इसलिए हम डिसएग्रीड हैं. फॉर मी फूड वेस्ट जनरेटेड बाई मी आर माई फैमिली नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेरे लिए तो प्रॉब्लम है या मैक्सिमम लोगों के लिए है, तो स्ट्रांगली डिसएग्री. तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5, 5, फिर यहाँ पे 2, 1, 2, 1. होता क्या है कि जब ये डेटा हम जब ये क्वेश्चन आयर का डेटा जब जैसे
ये 100 रिस्पोंडेंट का हमने डेटा लिया, केवल एक कंस्ट्रक्ट का है, केवल समझने के लिए इसको हमने रखा है कि अगर हमने ये डेटा इंट्री कर दिया, सपोज करिए कि हमने इंट्री कर दिया, इंट्री करके दिखाएंगे भी अभी, इंट्री कर दिया हमने SPSS में, उसके बाद हम रिलायबिलिटी टेस्ट किए, तो रिलायबिलिटी टेस्ट में होता क्या है कि रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स की कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। फिर से एक बार, रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स की कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, और कंप्यूटर को नहीं पता, SPSS को नहीं पता कि हमने उसमें नेगेटिव क्वेश्चन भी इंटर किए हैं, वो तो कंसिस्टेंसी चेक करेगा और उसके हिसाब से आपकी रिलायबिलिटी फाइंड आउट करके दे देगा। तो यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी एकदम से क्वेश्चनएयर की बिगड़ जाएगी, और उस समय मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि बार बार रिलायबिलिटी नहीं आ रही थी, तो हमको लगा कि क्या प्रॉब्लम है, हमने आइटम डिलीट करके देखा, सब कुछ डिलीट करके देखा, तो काफ़ी इम्प्रूव नहीं हो रहा था, उसको लेके फिर हमने काफ़ी पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद हमको बात पता चली कि रिवर्स कोडिंग अगर हम कर दें, नेगेटिव क्वेश्चन के रिवर्स कोडिंग कर दें, या दो पॉजिटिव है इसकी नेगेटिव कोडिंग कर दें, तब हमारी रिलायबिलिटी, हमारे क्वेश्चन आयर की रिलायबिलिटी, हमारे कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, यही है रिकोडिंग रिवर्स कोडिंग, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं SPSS पे, ये देखिए हमारे ये आइटम्स है हमारे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, FAT 1, FAT 2, FAT 3, FAT 4, फूड वेस्टेज एटीट्यूड 4, फूड वेस्टेड एटीट्यूड 5, फूड वेस्टेड एटीट्यूड 6, ये कोडिंग है आपको हमने यहाँ पे दिखाया था। देखिए ये कोडिंग है यहाँ पर भी, ये ऐसे करके हम कोडिंग लिखते हैं जब भी क्वेश्चन आयर बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सोर्स मेंशन करते हैं, और ये क्वेश्चन लिखते हैं, और यहाँ कंस्ट्रक्ट का नाम लिखते हैं। यही तरीका है आपके क्वेश्चन आयर जब आप बनाएंगे, या क्वेश्चन आयर डिजाइनिंग हम बताएंगे, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी रिवर्स कोडिंग और रिकोडिंग के बारे में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था, कुछ लोगों ने 5 5 5 रिस्पॉन्स किया है, देखिए यहाँ पे 5 4, अब केवल ये 43 लोगों का डेटा है, और यहाँ पे देखिए 5 5 4 4, फिर अचानक से देखिए 2 1 2 1 2 1 2 1, मैक्सिमम 2 1 है, कुछ लोग 5 भी हैं, यहीं से पता चलता है कि देखिए यहाँ पर भी 5 बोल रहे हैं, यहाँ पर भी 5 बोल रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कि इनका रिस्पॉन्स ठीक नहीं है। देखिए यहाँ से ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा था नहीं वीडियो में बताने के पहले, लेकिन देखिए अचानक से ये दिखा ना कि यहाँ से हम रिस्पॉन्स, यहाँ देखिए यहाँ पे 5 बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं 4, कैसे हो सकता है कि आपको कोई समस्या भी नहीं है और आप इसके लिए चिंतित भी हैं। तो यहाँ से हम रिस्पोंडेंट की भी रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं, और अपने क्वेश्चन आयर, अपने कंस्ट्रक्ट की भी रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको ठीक करने के लिए, अगर हमको रिलायबिलिटी ठीक करना हो तो क्या करेंगे, या रिवर्स कोडिंग कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, दोनों करके आपको दिखाएंगे, रिकोड इन सेम वेरिएबल और रिकोड इन डिफरेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम डिफरेंट वेरिएबल में करके देखते हैं, ये सेफ साइड होता है, क्योंकि मान लीजिए कि बाद में आपने 1 महीने 2 महीने बाद अपनी फाइल खोली तो आपको पता ही नहीं कि रिकोड इसको किया है कि नहीं किया है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। दैट्स वाई आई रिकमेंड इट, यू शुड चूज द रिकोड इन टू डिफरेंट वेरिएबल ऑप्शन, या इमीडिएट करके दे देना है तो आप सेम वेरिएबल में कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिफरेंट वेरिएबल में करते हैं, तो इसमें से कितने हैं हमारे, इसमें से आपको हमने बताया था कि ये FAT 3 4 5 और 6, यही तो क्वेश्चन नेगेटिव थे, देखिए यहाँ पे 3 भी नेगेटिव है, 4 भी नेगेटिव है, 5 भी नेगेटिव है, और 6 भी नेगेटिव है, तो हमने बताया ही था आपको। तो या तो ऊपर वाले दोनों को रिवर्स कर दें, या इन चार को रिवर्स करें, इन चारों को रिवर्स करके देखते हैं। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने 3 4 5 6 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेके आ गए। अब देखिए, अब हमने बताया था कि न्यू वेरिएबल, नया वेरिएबल बनेगा, ये पुराना वेरिएबल वैसे ही रहेगा, और जो नया वेरिएबल होगा उसमें रिवर्स कोडिंग होगी। रिकोडिंग और रिवर्स कोडिंग समझिएगा, रिकोड कर दिया भाई, नया वेरिएबल बना दिया, और जो पहले की कोडिंग थी उसको अब रिवर्स करना है हमको, कैसे होगा, पहले नाम देते हैं, पहले FAT 3 का नाम देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा एफ
ए टी थ्री थ्री न्यू न्यू कर दिया भाई। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे ज्यादा लिखना नहीं होगा हमको, यहां से कर देते हैं चेंज। देखिए यहां चेंज हो गया, एफ ए टी थ्री जो था एफ ए टी थ्री न्यू में चेंज हो गया। फोर को चेंज करते हैं, तो हम कॉपी इसलिए किए थे कि बार बार लिखना ना हो, आप लिख भी सकते हैं। और यहां से हम इसको फिर से फोर कर दिए। तो यहां पर देखिए दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, और एफ ए टी फोर एफ ए टी फोर न्यू में चेंज हो गया। फिर फाइव में जाएंगे ऐसे ही, और यहां पे जाके फाइव का भी चेंज कर दिया, ये चेंज हो गया फाइव का। यहां देखिए दिखेगा जो भी चेंज होगा, न्यूमेरिकल न्यूमेरिक वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल देखिए बदल रहा है। सिक्स में जाते हैं तो वैसे ही सिक्स में गए, और यहां पे सिक्स कर दिया सिक्स न्यू। तो ये यहां पे हमने नामकरण वाला कार्यक्रम समाप्त हो गया भाई। वी हैव टू कंप्लीटेड द रीनेम ऑफ द वेरिएबल, जो नया वेरिएबल है उसका नाम हमने दे दिया है। किसे रिप्लेस करना ये भी बता दिया, लेकिन क्या करना है अभी ये नहीं बताया। चलिए अब क्या करना है वो दिखा देते हैं। देखिए यहां से हम लोग देखिए, अगर हम लोग वन को फाइव कर दें, टू को फोर कर दें, एकदम रिवर्स, वन टू थ्री फोर फाइव, या नीचे से पढ़िए वन टू थ्री फोर फाइव, अगर रिवर्स कर दें तो हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कंसिस्टेंस है, तो आपकी रिलायबिलिटी हमेशा क्वेश्चन आर की अच्छी आएगी, आपके कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज है, तो पहले दे देते हैं। देखिए ओल्ड वैल्यू का सेक्शन यहाँ पे है और ये न्यू वैल्यू का सेक्शन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड वैल्यू सेक्शन न्यू वैल्यू सेक्शन। तो ओल्ड वैल्यू सेक्शन में हमने दिया वन, वन का मतलब रिवर्स करना है तो क्या होगा फाइव, और यहां देखिए उसके बाद ऐड कर देंगे। वैसे ही टू, टू कन्वर्टेड इनटू फोर, थ्री न्यूट्रल है तो थ्री का थ्री ही होगा। नाउ फोर, फोर को रिवर्स करेंगे क्या होगा भाई, गुड टू एट। नाउ फाइव, फाइव को रिवर्स करेंगे क्या होगा वन, एक बार देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। नाउ कंटिन्यू, डन। फिर से देखना है, देख लीजिए भाई ये चेंज किया है, न्यू ओल्ड वैल्यू यहां पे लिखते हैं, न्यू वैल्यू यहां पे ऐड करते चलते हैं, या ऐड कर लिया, वन का फाइव, टू का फोर, थ्री का थ्री, फोर का टू, फाइव का वन, कंटिन्यू। यहां पे हमने सारी चीजें बदल दी थी, वेरिएबल का नाम बदल दिया, बता दिया कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, एफ ए टी थ्री एफ ए टी थ्री न्यू होगा, ये बता के यहाँ से चेंज कर लिया। उसके बाद ओल्ड न्यू में जाके पुराना अपना वैल्यू और नया वैल्यू दे दिया, और वन का फाइव, टू का फोर, थ्री का थ्री, फोर का टू, फाइव का वन, कंटिन्यू कर दिया। नाउ क्लिक ओके बटन, ये देखिए नाउ थ्री एडिशनल वेरिएबल्स, फोर एडिशनल वेरिएबल्स आर हियर। ये इसी का है, एफ ए टी थ्री का एफ ए टी थ्री न्यू, एफ ए टी फोर का एफ ए टी फोर न्यू। देखिए यहाँ पे टू है तो यहाँ पे फोर है, अगर यहाँ पे वन किया है तो यहाँ पे फाइव है, तो कोडिंग भी बदल गई। एक बार सेम वेरिएबल में करके देख लेते हैं, फिर से चलते हैं ट्रांसफॉर्म इन सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल में करना है तो फिर से फाइव सिक्स फोर थ्री को लिया, ओल्ड और न्यू इनको कुछ नहीं करना, इसमें नाम नहीं देना है क्योंकि नया वेरिएबल हमको बनाना ही नहीं है, सेम वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर देना है। तो यहाँ ओल्ड वैल्यू वन, न्यू में दिया क्या होगा फाइव, फिर टू, यहाँ पे क्या होगा भाई फोर, थ्री, न्यू में थ्री, ऐड अगेन फोर, फोर का क्या होगा टू, फाइव, फाइव का न्यू वैल्यू वन, ऐड कर लिया, वन का फाइव, टू का फोर, थ्री का थ्री, फोर का टू, फाइव का वन। नाउ कंटिन्यू, और डन हो गया सब, और कुछ करना ही नहीं है।
इन वेरिएबल को करना है, क्या चेंज करना है बता दिया। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे 2 2 1 1 सब दिख रहा है ना, अब ये कर दिया ओके। अब देखिए इसी वेरिएबल में चेंज हो गया। अब देखिए आपका FAT3 और FAT3 न्यू दोनों आपको सेम दिखेंगे, क्योंकि यही चेंजेस तो नए वेरिएबल में हुए थे और अब सेम वेरिएबल में हो गए। FAT4 न्यू आपको सेम दिखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट रिकोडिंग एंड रिवर्स कोडिंग। दिस इज वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।